Hello everyone, welcome to SJET Study. Friends, how are you all? Hope you are all fine. And it's a part of Indo-Islamic culture, and it's a second part, okay? And especially for MU entrance exam. And before going to start the video, I wanna say something, okay? वो क्या है कि मतलब कल मैंने जो वीडियो बनाया था तो वहाँ पे कमेंट मिला था कि मतलब क्या है, हम 2020 से सारा क्वेश्चन उठा के दे दिया। अरे ऐसे है नहीं, मतलब हमारा इंटेंशन ये नहीं कि कुछ भी आ जाए माइंड पे और उससे वीडियो बना ले, ये है नहीं, ठीक है। मतलब यही है कि मुद्दे में मतलब आप लोग भी हमारे जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाए, ठीक है। और मैंने जो वीडियो कॉल बनाया, मतलब पहला पार्ट जो बनाया था इंडो इस्लामिक कल्चर का पार्ट वन, वहाँ पे मैंने ये मतलब जो कवर किया मैंने, वहाँ पे मैंने इसके रिलेटेड और भी कुछ कवर किया। ऐसे है नहीं कि डायरेक्टली उठा के दे दिया, ऐसे है नहीं। और मैंने भी जब पढ़ा था, ठीक है, तो बहुत कुछ कवर किया था, फिर भी एग्ज़ाम पे जाके ऐसा लगा था कि मैंने मतलब देखा भी नहीं है सब क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए मतलब मैंने कवर किया वो सब। और ये बात याद रखने की ऐसे है नहीं कि हमें कुछ भी आ जाए मन में और इस पर वीडियो बना रहे, हमारे बेनिफिट्स के लिए नहीं, हमारा कुछ होता नहीं। हाँ, बेनिफिट्स मतलब यही है मुद्दे में कि मतलब आप लोगों का भी हेल्प हो जाए हमारी वजह से, वही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, Imam Ahmed bin Hanbal was punished by whom? Imam Ahmed bin Hanbal को किसने punish दिया था? वो कौन थे? खलीफ मामून, या हम बोल सकते खलीफा मामून, ठीक है। Then Baghdad city was founded by whom? Baghdad city किसने found किया था? वो है मंसूर, ठीक है। Then, first civil war in the history of Islam is, इस्लाम की हिस्ट्री पे पहली सिविल वॉर कौन सा है? वो है जंगे जमल। देखिए मैंने वो सारे नाम दिया, बैटल ऑफ कैमल भी बोल सकते हैं इसको, बैटल भी आप लोगों के क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकती है, जंगे जमल, बैटल ऑफ कैमल, बैटल ऑफ बसरा, ठीक है। तो तीनों एक ही है। तो फर्स्ट सिविल वॉर किया था हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में, जंगे जमल। और ये ज़रूरी नहीं कि जो मतलब आप लोगों को ना एक एक पे मतलब वेज होना नहीं है, जितना सारा मिल रहा है सब कुछ से खबर करनी है, ठीक है। एक ही इंसान पे एक बुक पे नहीं, मतलब एक बुक पढ़ रहे, ठीक है, उसके साथ अभी मतलब जहाँ पे वीडियो मिल रही है तो मतलब जैसे भी हो और भी कवर करनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे वही से ही आएगी, ठीक है। तो कोई से भी मतलब वो लोग क्वेश्चन कर दे, पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे है नहीं कि मतलब एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, आएगा, हमें तो श्योर नहीं है ना, किसको पता है क्या क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए सब कुछ कवर करनी है अच्छे से। और हाँ, ये स्पेशली फॉर MU एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों पता है, मतलब दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में वो इंडो इस्लामिक कल्चर जो पर्शन है वो पता नहीं रहता है, सिर्फ MU में ही रहती है, इसलिए ये सिर्फ MU के लिए है, ठीक है। देन जंगे जमाल वॉज फोर्ट इन व्हिच ईयर? जंगे जमाल वो बैटल का फोर्ट हुआ था 7 नवंबर को, 656 AD को हुआ था, ठीक है। एंड वो जंगे जमाल वॉज फोर्ट बिटवीन होम, जंगे जमाल किन दोनों के बीच में फोर्ट हुआ था? अली, हजरत अली एंड हजरत आयशा। हजरत अली बोले तो ही वॉज द काजिन
एंड सोन इन लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काजिन उनका मतलब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन थे, अली काजिन थे। उनका चाचा अबू तालिब का बेटा था अली, और इनके साथ उनका बेटी सोन इन लव बोले तो मतलब उनका धमा, तो उनका बेटी फातिमा का शादी हुआ था अली के, हजरत अली के साथ, ठीक है। और आयशा बोले तो हजरत प्रॉफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका वो लास्ट वाइफ थी, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में जंगे जमाल फोट हुआ था। देन व्हेन बैटल ऑफ करबल वाज ओकर्ड, देखिए ये इस्लाम की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक बैटल हुआ था, ठीक है, जहाँ पे वो हसन हुसैन दोनों का डेथ हो गया था। तो ये कब हुआ था, 680 AD, वो कहाँ पे हुआ था, इराक पे। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ करबल, इराक पे हुआ था, कब हुआ था 680 AD को, एंड कब हुआ था 10 मुहर्रम, 680 AD कचैन मुहर्रम पे हुआ था और इराक पे हुआ था, ठीक है। देन वेयर इज़ करबला सिचुएटेड, और ये आप लोगों का जीके में भी काबार हो जाएगी, ऐसे भी पूछ सकती है, ठीक है, और आया भी शायद, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर, ज़रूरी नहीं मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर जितना है वहाँ पे भी मिल सकती है, मतलब ये क्वेश्चन वेयर इज़ करबला सिचुएटेड। तो क्या है, मतलब ये जनरल जीके से भी, जनरल नॉलेज से भी काबर है, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक कल्चर दोनों में भी पढ़ते हैं ये, मतलब आती है। तो करबला सिचुएटेड कहाँ पर सिचुएटेड है, इराक पे, ठीक है। देन हाँ, काबा वॉज बिल्ट बाई होम, काबा काबा शरीफ को किन्होंने बिल्ड किया था, तो कौन थे, हजरत इब्राहिम और उनका बेटा हजरत यूसुफ। मतलब आप लोगों के क्वेश्चन में अगर मिलता है कि हजरत इब्राहिम उनका बेटा यूसुफ का भी नाम रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, हजरत इब्राहिम लिखिएगा, ठीक है। अगर हजरत इब्राहिम नहीं रहता है, हजरत यूसुफ रहता है, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों मिल के बनाए थे, मतलब हजरत इब्राहिम और उनका बेटा, ठीक है। देन इन व्हिच ईयर विक्ट्री कंक्वेस्ट ऑफ मक्का हेल्ड, विक्ट्री और कंक्वेस्ट मतलब कब विक्ट्री मिला था मक्का को, ठीक है। मतलब ये बोले तो क्या है कि हम सबको पता है कि प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ बहुत मतलब तकलीफ़ से गुजर रहा था, ऐसे नहीं कि सही 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 सब कुछ मिल गया, ठीक है, ऐसे है नहीं। तो क्या हो गया था, जब मतलब उन्होंने हिजरत किया था मदीना से मक्का, तब तब क्या हो गया था, कुराइश, तो कुराइश थे उनका अगेंस्ट पार्टी, मतलब वो लोग तो दीन पे नहीं आए थे, हाँ। तो मतलब उनका ज़्यादातर कौम कहाँ पे था, मदीना पे था, तो मदीना पे थे। तो वहाँ से क्या हो गया था, मतलब मक्का पे कभी एंटर कर नहीं पाते थे कुराइश लोगों की वजह से, मतलब ये लोग मारते थे, मतलब बहुत स्लेन लोग थे, स्लेन बोले तो मर्डर करते, मतलब ये लोग अगेंस्ट पे थे ना, तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मतलब आ नहीं पाते थे, हाँ। तो ट्रिटी ऑफ हुदैबिया हुआ था, वो 10 साल का हुआ था, तो इसका कंडीशन ये था कि मतलब ये प्रॉफिट एक पिलग्रिमेज बोले तो हज करना चाहते थे, ठीक है। तो ये हज करने के लिए मतलब उनको कौम को लेके आना चाहते थे मक्का पे, मक्का पे तो हज करते हैं ना, काबा शरीफ के साइड, काबा शरीफ में, तो वहाँ पे आना चाहते थे, फिर आ नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे एक कंडीशन था कि मतलब अगर ये लोग अगर के मतलब 3 दिन के लिए कहीं पे चले जाएंगे, मतलब कुराइश लोग यहाँ मक्का से, तभी ये मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कौम को लेके यहाँ पे आके हज करेंगे। तो बीच में क्या था इन्होंने, और ये मक्का पे पूरा दाखिल हुए थे
पूरा 13 ईयर बाद, ठीक है, ट्रिटी ऑफ उदयपुर तो ख़त्म हो गया, जो कंडीशन था वो भी मान लिया, और इसके बाद तो ये सब ख़त्म हो गया, और इसके बाद फोर्ट भी हुआ था, मतलब इसके बाद ये लोग एंटर कर रहे थे मक्का पे, कब, 630 AD, मतलब प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कौम को लेके मक्का पे एंटर हुए थे बहुत सालों बाद, ठीक है। और इसकी वजह से आज हम हज कर पाते, नहीं तो ये कुरैश लोग ही कुरैश रह जाते और कुछ होता नहीं, मतलब सब कुछ अल्लाह का हुक्म से हुआ है ना। देन बैतुल मक़द्दस खिलाफत, ठीक है, बैतुल मक़द्दस फिर दिखा दो, बैतुल मक़द्दस कंक्वर्ड हुआ था पहली बार, मतलब वो कौन थे खिलाफत, खलीफा कौन थे उस वक्त, ठीक है, तो वो थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। देन जामात खाना वॉज इरेक्टेड बाई होम, तो जामात खाना किन्होंने बनाया था, तो वह कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब खिलजी डिनेस्टी का ये किंग थे, हाँ, तो जामात खाना किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी। देन एमोंग द खिलजी डिनेस्टी, देखिए ये भी मतलब एक साथ ही खबर किया जो मतलब अच्छे से याद हो जाए, है ना, तो एमोंग द खिलजी डिनेस्टी, खिलजी डिनेस्टी के, खिलजी डिनेस्टी में वो कौन इलिटरेट थे, ठीक है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे, पर वो ऐसे नहीं कि इलिटरेट है तो कुछ कर नहीं पाए, बहुत कुछ उनका मतलब बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत अच्छा अच्छा काम, ठीक है, तो ऐसे नहीं, मतलब ये लोग बहुत इंटेलेक्चुअल थे, ठीक है, इलिटरेट होने के बावजूद भी बहुत कुछ करके जाते थे। देन ड्यूरिंग द रीन ऑफ सिकंदर लोदी ए बुक ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन इज एंटाइटल्ड, किसके रीन पे, सिकंदर लोदी जब शासन पे थे, तो अबुक नाम क्या था, एवोक ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन का बुक एक वो ट्रांसलेटेड किया था पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, तो इसका एंटाइटल, इसका नाम क्या था, फरहांग सिकंदरी, ठीक है। देन टम्ब ऑफ बाबर इज सिचुएटेड इन व्हिच प्लेस, बाबर का टम्ब कहाँ पे सिचुएटेड है, काबुल, काबुल कहाँ पे सिचुएटेड है, अफगानिस्तान, ठीक है। देन आवर लास्ट क्वेश्चन इज महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया हाउ मेनी टाइम्स, महमूद गजनवी इंडिया इंडिया पे आक्रमण किए थे कितने बार, वो दो बार किए थे, ठीक है। सो हियर इज द एंड ऑफ माय वीडियो, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया। देन इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज फ्रूटफुल फॉर यू, देन मेक श्योर दैट सब्सक्राइब द रेड बटन एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर न्यू, देन ओके एंड व्हाट टू से, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।